आज हम लोगों ने अपनी बहस से और अपने कागजात से ये पूर्ण रूप से साबित करने और कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि विवादित संपत्ति वक्फी संपत्ति है और इसमें कोई दाग नहीं। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में मेंटेनेबिलिटी को लेकर 24 अगस्त को सुनवाई होनी है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष आज इस मामले में बहस पूरी कर लेगा, इसके बाद हिंदू पक्ष बहस का जवाब देगा। हिंदू पक्ष के वकील ये उम्मीद जता रहे हैं कि आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है और इस मामले में फैसला जल्द आ सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में जैसे जैसे पोषणीयता को लेकर बहस पूरी होती चली जा रही है और केस अपने अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचा है, वैसे वैसे यह मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है। आज एक बार फिर प्रत्युत्तर देते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से वक्फ बोर्ड के कागजात की प्रतिलिपियों को रखा गया और साथ ही यह दावा किया गया कि यह केस कहीं से भी हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है उस पर खरा नहीं उतरता, लिहाजा इसको खारिज किया जाना चाहिए और मामला अगर चले भी तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चले। लगभग 2 घंटे की चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने कल एक बार फिर से 11:30 बजे का समय दिया है, जिस दौरान फिर से एक बार मुस्लिम पक्ष अपने बचे हुए प्रत्युत्तर जिसमें 2 एक्ट हैं उसको पूरा करते हुए ख़त्म करेगा, जिसमें स्पेशल वर्शिप एक्ट है और साथ ही विश्वनाथ मंदिर एक्ट है। आज एक दिलचस्प पहलू यह एक बार फिर देखने को मिला, अभयनाथ यादव के असमय निधन के बाद नियुक्त किए गए मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू आज दूसरे दिन भी कोर्ट में अनुपस्थित रहे। न केवल कोर्ट में अनुपस्थित रहे बल्कि वे आज कचहरी भी नहीं आ पाए, जहां एक ओर उनके परिवार का कहना है कि वो अस्वस्थ हैं और इस केस से अपने आप को विड्रा करते हैं, तो अभी भी उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई कागजात कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, जिसके चलते यह माना जा रहा है, मुस्लिम पक्ष के वकील यह मान रहे हैं कि मधु बाबू अभी भी इस केस पर बने हुए हैं। आज कोर्ट में केस के दौरान उस समय भी गहमा गहमी मच गई जब हिंदू पक्ष के 2 वकील आपस में भिड़ गए और स्थिति हाथापाई तक जा पहुंची थी, लेकिन किसी तरह मामला शांत हुआ और सब कुछ शांति से निपट गया, जिसके बाद कोर्ट ने कल फिर एक बार 11:30 बजे सुनवाई का समय रखा है और लंच के बाद तक सुनवाई होती रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम पक्ष कल अपनी बहस अपने प्रत्युत्तर को पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की पैरवी नहीं करने को लेकर मधु बाबू पर परिवार के लोग भी दबाव बना रहे हैं। हालांकि मधु बाबू के बेटे विशाल सिंह ने बताया कि वो 75 साल के हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती और इसी वजह से वो केस नहीं देख पाएंगे। वजह ये है कि उनका आए दिन तबीयत खराब रहता है, हम लोग भी उनको मना करते हैं कि मतलब अपना वकालत छोड़ ही दें, पर वो चूंकि वो मानते नहीं हैं और पिछले 2 दिन से वो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, जिसके कारण वो कचहरी नहीं जा रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबा के वजह से इस तरीके से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। नहीं, ऐसा तो कोई मैटर नहीं है, मैटर बस वही है कि उनके अस्वस्थता। और बात रही बाबा की, तो भाई हम सब लोग काशी में रहते हैं, हम लोग उनके तो भक्त तो हैं ही, भक्त थे भी, भक्त हैं भी, हम सभी लोग भक्त हैं, आस्था है उनके प्रति हमारी, पर अस्वस्थता सबसे मेजर कारण है जिसके कारण मेरे पिताजी इस केस से इन्वॉल्वेंसी नहीं चाहते हैं। 18 तारीख को भी वो शामिल थे, फिर अचानक 18 तारीख को शामिल थे, उन्होंने अपना वकालतनामा भी दाखिल किया था, उसके बाद उनका 19 तारीख को भी गए थे, 20 तारीख को उनका थोड़ी तबीयत में थोड़ा गिरावट आया था, जिसके कारण फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, चलने में दिक्कत, इसके कारण वो पिछले 2 दिन से कचहरी नहीं गए, अस्वस्थता बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि मधु बाबू की तरफ से अभी तक कोर्ट में किसी भी तरह का कोई पत्र नहीं आया है जिसमें इस केस से हटने की बात की गई हो। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मधु बाबू अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण कचहरी नहीं आ रहे, इसलिए बहस में भाग नहीं ले पा रहे। उन्होंने अपना वकालतनामा विड्रा करने के लिए या अंजुमन इंतजामिया ने उनको जो वकील अपॉइंट किया निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा आज भी मधु बाबू अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली 4 वादी महिलाओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि आधे घंटे में वो अपनी बहस पूरी कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम अपना प्रत्युत्तर देंगे और पूरी उम्मीद है कि इस मामले पर सुनवाई पूरी हो जाएगी।
विष्णु शंकर जैन ने साथ ही उम्मीद जताई है कि कोर्ट सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।